नमस्कार किसान भाइयों, किसान खेती ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है, कुछ किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई हमारी 29-60 गेहूँ है, ग्रोथ नहीं कर रही है, चल नहीं रही है, 55+ दिन की हो गई है। तो किसान भाइयों, उसके रिलेटेड ये वीडियो है। तो सभी किसान भाइयों को मेरा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए धन्यवाद। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बताएं उन्होंने क्या डाला था, कैसे उनकी गेहूं में ग्रोथ हुई। तो किसान भाइयों, आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं आपको। ये आपको मैं दिखाता हूं, सुबह का टाइम है, वैसे थोड़ा धुंध इस पर पड़ी हुई है, तो थोड़ा गेहूं का ये वाइट वाइट नज़र आ रही है और ये पड़ी हुई है इस पर धुंध, तो इसलिए दिखा रहा हूँ किसान भाइयों। ये वैरायटी है हमारी 3086। तो किसान भाइयों, जो 3086 वैरायटी होती है ना, ये देखो पूरे खेत में दोनों, मैं दूसरी आपको अभी दूसरी वैरायटी 29-60 भी दिखाऊंगा। जो 3086 वैरायटी होती है ना, ये जल्दी चलती है और शुरू में तो ये बहुत अच्छी लगती है जब चलती है, लेकिन आखिरी में लास्ट में जाके इसका थोड़ा है ना 29-60 से 1-2 क्विंटल कम रहता है उत्पादन, तो उत्पादन में इसमें थोड़ी कमी रहती है। ये देखो, ये हो गया आज 55+ दिन की ग्रोथ, तो इसमें बहुत अच्छी, शुरू में बहुत अच्छा चलता है ये। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 29-60 जो इसके साथ ही बिजाई की थी उसी दिन ही। और ये है किसान भाइयों 29-60, ये दोनों एक ही दिन की बिजाई की हुई है, इसमें थोड़ा सा ग्रोथ अभी कम है, ये अभी 55 दिन के बाद ही चलती है 29-60। और हमने उसमें जो 3086 था उसमें 29-60 में और 3086 में एक सागरिका, इफको सागरिका का भी प्रयोग किया था, 10 kg डाली थी, तो उसका भी रिजल्ट अच्छा मिला है। अगर किसान भाई आपने पहले पानी पे डाला है तो ठीक है, और दूसरे पानी पे भी आप डाल सकते हैं इसको। तो किसान भाइयों, आपके आज के लिए ये जानकारी थी, क्योंकि 29-60 आप ये अपने मन में मत रखें कि हमारी 29-60 ग्रोथ नहीं कर रही है, ये वैरायटी थोड़ी लेट चलती है, 55 दिन के बाद ही चलती है और उत्पादन अच्छा रहता है, 3 क्विंटल प्रति एकड़ की अष्ट निकलती है उससे, 3086 से बहुत अच्छा है। तो किसान भाइयों, अगर हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पहले सब्सक्राइब कर रखा उसके लिए धन्यवाद।